हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग है 367.35 पे। ये स्टॉक ने जो 52 वीक हाई लगाए थे वो थे 753, और अभी ये 50% ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट के आसपास मिल रहा है। तो क्या आपने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है ऊपर के लेवल पे, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपने क्या करना चाहिए, हमारा सपोर्ट और टारगेट क्या है, सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे SW सोलर पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस कवर की है, जिसमें हमने इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल और रिलायंस का क्या प्लान है, आगे की जो ऑक्शन आने वाला है उसमें रिलायंस क्या करने वाली, सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की है। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये सारी वीडियोस की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, जरूर इन्हें देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी हम बात करते हैं इसके पीई रेशियो की, जो कि है नेगेटिव 7.90, बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पी से जो है 65। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 11th ऑफ मार्च के आर्टिकल की, जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट के बारे में 2027 तक ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि CAGR ग्रोथ 10% है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एनवायरमेंटल कंसर्न है, CO2 इमिशन कम करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट का भी फोकस रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा है, सारी कंट्रीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं और अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ा रही हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। अब यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने टारगेट रखा है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने का बाय 2030। और उसी के साथ यहाँ पे जो प्लाई स्कीम है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, वो भी यहाँ पे ये जो सेक्टर है इसको सपोर्ट कर रही है। तो आने वाले फ्यूचर जो है यहाँ पे बहुत अच्छा और ब्राइट नजर आ रहा है ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है उसमें। तो देखिए, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है तो उस पर भी आपने रडार पे जरूर रखना चाहिए। फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो 2019 से लेकर 2021 तक देखिए, यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पे घटते हुए नजर आया था, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में अभी हम लोग उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। EBITDA अगर हम देखते हैं तो ये निगेटिव में चला गया है, -818। नेट इनकम अगर हम देखते हैं तो वो भी अभी निगेटिव में ट्रेड कर रहा है, -909 करोड़ का। और EPS देखिए यहाँ पे माइनस हो गया है 54 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 74% प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें से 35% जो है वो ऑलरेडी प्लेज करके रखी है। बहुत ज्यादा प्रमोटर का यहाँ पे प्लेज है। म्यूचुअल फंड 3.01% है, 0DI है, FII 6.76% है, और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 16.14% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। SW सोलर ये लार्जेस्ट सोलर EPC सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। रिलायंस का अभी इसमें 40% का स्टेक कंपनी होल्ड करती है, जबकि मैनेजमेंट यहाँ पे चेंज हो गया है, तो इनके ऑर्डर बुक में भी यहाँ पे ग्रोथ नजर आते हुए दिखाई दे सकती है। कंपनी का यहाँ पे इंप्रेसिव पोर्टफोलियो है, जिसमें 258 सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी ने इंस्टॉल किए हैं। कंपनी का 25 कंट्रीज में यहाँ पे प्रेजेंस है, जिसमें कि इंक्लूड करती है एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी। अगर हम यहाँ पे एक्सपर्ट की राय लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 52 वीक से ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का ये पर्सपेक्टिव है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर ने एक्युमुलेट करके चल सकते हैं, ऐसे यहाँ पे सोर्सेस का मानना है। 30th of March की न्यूज है, जहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किए हैं नए एडिशनल डायरेक्टर, जिनका नाम है शिराग सरोज बलसारा। 7th of April की न्यूज है, जहाँ पे इन्होंने अपना कंसोलिडेट लॉस जो है ये रिडक्शन बताया है 126.30 करोड़, मतलब पिछले क्वार्टर से यहाँ पे अभी थोड़ी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। डिटेल में अगर हम देखते हैं तो इनका टोटल रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में था 1502 करोड़ का, जो अभी कम हो गया है बाय 1094 करोड़। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले साल इन्होंने लॉस बुक किया था 422 करोड़ का, और इस बार इन्होंने 126 का लॉस बताया, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में लॉस अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। और EPS की अगर हम बात करें तो -26 से EPS हो गया है इनका -5, मतलब यहाँ पे भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें नजर आ रहा है। 8th of April की न्यूज है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय है कि उन्होंने यहाँ पे जो IIFL सिक्योरिटीज हैं उनके संजीव भसीन, उन्होंने कहा है कि इनको ये शेयर अगर 1500 भी टच करते हुए मिला तो भी ये सरप्राइज नहीं हुए, और इसका जो टेन्योर उन्होंने बताया है वो दिया है 4 ईयर्स का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रमोटर के प्लेज के बारे में, और उसी के साथ यहाँ पे जो एक्विजिशन हुआ है रिलायंस उसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे 6th of January की बात है, जब यहाँ पे 25% का एक्विजिशन किया था रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने, और उसके बाद जो नेक्स्ट उनका 40% का जो एक्विजिशन था वो हुआ 9th of February को, जो फिर से रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने यहाँ पे किया। मेजर चेंजेस हुए यहाँ पे 29th of March में, जब
कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने 24.95% की जो प्लेज है यहाँ पे रिलीज कर दी, और उसके बाद फिर सेम डे को उन्होंने 24.95 और फिर से दोबारा एक 24.95 की प्लेज जो है यहाँ पे क्रिएशन हो गया है। मतलब इन्होंने अपनी प्लेज रिलीज करके फिर से दोबारा यहाँ पे प्लेज जो है क्रिएट की है, मतलब यहाँ पे प्लेज रिडक्शन अभी नहीं हुआ है, उन्होंने दोबारा जो प्लेज है अपना फिर से यहाँ पे कर दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे SW सोलर के टेक्निकल चार्ट के बारे में। यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक ने 500 के हाई लगाया और उसके बाद भारी गिरावट हुई। यहाँ पे स्टॉक ने डबल बॉटम फॉर्मेशन किया और ये जो हमारे लेवल है ये अभी भी इंटैक्ट है, जो सपोर्ट है हमारा 294 का, और उसके बाद बहुत अच्छी अप ट्रेंड रैली इसने दिखाई दी है। अब यहाँ पे देखिए जो स्टॉक है 367 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब आगे क्या हमारे लिए अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, जिसके लेवल है 372। जब तक ये स्टॉक यहाँ पे 372 यहाँ से क्रॉस नहीं करता थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन किया था और जैसे ही यहाँ से हमारा सपोर्ट टूट गया उसके बाद यहाँ पे गिरावट हमें दिखाई दी। अब यहाँ से जब हम वापस आ रहे हैं तो ये जो हमारा सपोर्ट था ये अभी काम करने वाला है रेजिस्टेंस का, तो जब तक ये हमारा रेजिस्टेंस है इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन जो हमारी क्लोजिंग है वो हो गई है 367। अगर ये स्टॉक अब देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन बनाई है उसका ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये तो हमारे लिए हो गया पॉजिटिव कि स्टॉक है अभी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 372 का। अब जैसे यहाँ पे स्टॉक जो है अगर नीचे की तरफ भी आता है तो हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये अभी सपोर्ट का काम करेगी, और अगर ये कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे इमीडिएट टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 400 का, और अगर ये स्टॉक 400 के स्टॉक जो लेवल है ये सस्टेन अगर करता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा 420, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ये 400 का बन रहा है, सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो है 420। अगर ये स्टॉक यहाँ पे 420 का जो सेकंड टारगेट है ये भी अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टारगेट है वो रहेगा यहाँ पे 460, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं तो फिर से यहाँ पे 480 से लेके 500 के लेवल यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे ही ये जो स्टॉक है यहाँ पे 472 का जो हमारा हर्डल है ये क्रॉस कर देता है तो उसके बाद हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट है वो भी अप ट्रेड हो जाएगा और वो हो जाएगा 370 का, क्योंकि एक बार ये जो स्टॉक है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ये यहाँ पे ट्रेड करने लगेगा तो फिर से हमारे लिए ये जो सपोर्ट है ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। इंडिकेटर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी जो हमारा RSI है 60 पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी इसने MACD में बुलिश क्रॉसओवर भी हो गया है, और अगर आप वॉल्यूम चेक करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग आते हुए नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जो इंडिकेटर है अभी तो ये बुलिश दिखा रहे हैं, हमारे लिए इमीडिएट जो यहाँ पे सपोर्ट रहेगा इमीडिएट सपोर्ट हमारा है 343 का। जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड की जर्नी यहाँ पे शुरू कर देता है तो आपका जो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको भी ट्रेड कीजिएगा, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे आप रख सकते हैं जो कि है यहाँ पे 294 का। अब हम बात करते हैं SW सोलर के वीकली चार्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इसने 750 के जो हाई लगाए थे उसके बाद इसने जो लो दिखाए थे वो थे 5 के। अब यहां से जो स्टॉक यहां पे भारी गिरावट हुई, कंसोलिडेशन होते हुए यहां पे एक बहुत अच्छा इसने बेस बनाया है। तो देखिए ये जो हमारा बेस है बहुत अच्छा यहां पे बॉटम बन चुका है और यहां से ये जो अपसाइड की जो जर्नी है ये कंटिन्यू कर रहा है। अगर यहां पे भारी गिरावट भी होती है तो यहां पे जो कंसोलिडेशन हुआ है यहां पे बहुत अच्छा हमारे लिए सपोर्ट है और इसी सपोर्ट का यहां पे सहारा लेते हुए ये जो स्टॉक है फिर से यहां पे अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। अब देखिए यहां पे हमारी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और यहां पे देखिए ये है सपोर्ट ट्रेंड लाइन। अब जब तक ये स्टॉक हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो ये बना रहा है यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक की रेंज है इसी ट्रायंगल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए नजर आ सकता है। जब यहाँ पे अगर ये यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी अप ट्रेंड रैली आ सकती है। अगर हमारी यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो वहाँ पे नीचे के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चांसेस अभी थोड़े कम है क्योंकि हमारा जो स्टॉक है इसने बहुत अच्छा यहाँ पे बेसलाइन बना के रखा है और उसके बाद उसी जो सपोर्ट है उसी को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक जो है अप ट्रेंड की रैली यहाँ पे तय करते हुए नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए हमारे जो यहाँ पे टारगेट है 400 से लेके 420, और अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ पे फिर से जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आते हुए नजर आ सकता है। जब तक ये
स्टॉक यहाँ पे, ये जो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट नहीं देता, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसकी जो लॉन्ग टर्म जर्नी है उसको कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसका ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो यहाँ पे बहुत जल्दी 440 से लेके 480 के लेवल भी दिखाई दे सकते। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।